तो व्हाट्सअप माई YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस टाइम मैं हूँ थाउसन रोड पे, जो यहाँ की जो वॉकिंग स्ट्रीट है, और ऐसे ही वॉक करने के लिए ज़्यादा टाइम हो रहा है, करीब 5 बजे का शाम का, और थोड़ी देर बाद यहाँ पर नाइट बैच हो जाएगी शुरू। तो दिखाता हूँ आपको, वैसे मैं कल रात में आया था, ज़्यादा कुछ मैंने पहले मैंने सोचा खुद मैं एक्सप्लोर करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। लेकिन जो मुझे मज़ा वियतनाम में आ रहा था, जो हैप्पीनेस और एक जो प्लेजेंट वाला फील मिल रहा था, वो यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ मिसिंग है। पता नहीं क्यों, हो सकता है मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया उस चक्कर में, और या हो सकता है वैसे भी। तो वियतनाम में मैं कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और एक बात और बता दूँ कि जो थाउसन जो रोड है, जो वॉकिंग स्ट्रीट है, उससे ज़्यादा मेरे को कहीं ज़्यादा मेरे को जो हनोई का जो वॉकिंग स्ट्रीट है, बियर स्ट्रीट है, या फिर हो ची मिन्ह का जो अपना गोलमेन स्ट्रीट है, वो ज़्यादा मेरे को पसंद आया, क्योंकि वहाँ पर क्राउड बहुत अच्छा था प्लस, और जो लोग थे वहाँ के, जो पूरा जो मतलब क्लब वगैरह में जो एंट्री थी, पूरी फ्री एंट्री थी, और बहुत ज़्यादा अच्छा क्राउड था यार, मतलब वहाँ पे अलग ही लेवल का मज़ा आ रहा था मेरे को। लेकिन यहाँ पे कुछ मिसिंग है। तो भाई ये रहा, मैं पी रहा हूँ इस टाइम मैंगो जूस एक लोकल शॉप में आके, जो टपरी टाइप में रहती है, तो 40 से 50 बाट में आपको एक गिलास मिल जाएगा, यानी कि 100 रुपये के आसपास में एक गिलास मिल जाएगा। लेकिन ये है कि यहाँ पे क्वांटिटी के अंदर और क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, मतलब जो चीज़ है ना, जो फ्रेश है वो फ्रेश ही बना के देंगे। बाकी यहाँ पर आप भी देख लो, पूरा का पूरा थाउसन स्ट्रीट है इस टाइम, कुछ ऐसा दिख रहा है अभी फिलहाल तो। बाकी अपना भाई अपने कस्टमर पकड़ रहा है। तो भाई जो इस टाइम नज़ारा है मार्केट का, कुछ इस तरह से है, दिन में कुछ इस तरह से रहता है। बाकी शॉपिंग वॉकिंग आप यहाँ पे आ कर सकते हो, और जो रात में एकदम ये नज़ारा चेंज हो जाता है, पार्टी का माहौल बन जाता है यहाँ पे। शॉपिंग्स के लिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, और ये भी बहुत अच्छी लग रही चीज़ से यार, ये पता नहीं कितने कितने की है। लेकिन ब्रदर हाउ मच इट इज, 250 डिस्काउंट, 200 मतलब वो ये तो 200 बात का है भाई, यानी कि इंडियन करेंसी में करीब 450 रुपये, तो महंगा है लेकिन क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी है, बस और क्या। अपने को यहाँ पे यार कुछ खाने को सोच रहा हूँ, भूख भी लग रही है, लेकिन वेज वाला सिस्टम नहीं है, पता नहीं क्या यार। मैंगो स्टिकी राइस फेमस है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, लेकिन अपने को चाहिए नहीं वो पैक थाई वेजिटेबल विद एग। तो भाई मैं अभी इनसे ट्रांसलेट करके पूछ रहा हूँ कि अगर इनके पास में वेज ऑयल डू यू, ये आया भाई पता नहीं क्या, फूं फ्रूं शंग ड्रिंग निमन पूछ। तो भाई उसने तो मना कर दिया, बाकी सामने देखो मेरे क्या सीन चल रहा है भाई साहब, पूरा का पूरा मगरमच्छ टांग रखा है इन्होंने यार, काटा पीटी चलती है भाई, काटा पीटी। या इट्स वेजिटेबल बोले यार, बट इट्स फिश, इट्स फ्राई फॉर फिश फ्राई या पाम ऑयल फ्रॉम, ओके सो आई वांट वन वेजिटेबल फ्राइड राइस, वेजिटेबल फ्राइड राइस, एग और नो एग, नो एग ओनली वेज, ओनली वेजिटेबल, ऑल वेजिटेबल या ऑल वेजिटेबल एंड लॉट्स ऑफ वेजिटेबल, सॉरी लॉट्स ऑफ वेजिटेबल, लॉट ऑफ वेजिटेबल, यस बट वेज ऑयल प्लीज, या थैंक यू, कैन आई सिट हियर, यस थैंक यू वेरी मच, सॉरी let's see, let me see what is here. Yeah, okay. Hey, sit there. This is so hot, brother. This there. Okay, okay. Yeah. Hey, yaar, ye sab to nahi peena yaar abhi. No. Last night too much. Only eat. तो भाई को मैंने स्पेशली भाई बहुत अच्छे से रिक्वेस्ट किया कि भाई प्लीज़ यार वेजिटेबल ऑयल यूज़ करने के लिए, वेजिटेबल ऑयल यूज़ किया है भाई ने, टोटल मैं वेज फ्राइड राइस ले रहा हूँ, तो देख लो भाई बनाते किस तरह से, ये पालक, कैबेज, ऑनियन, और वहीं दूसरी साइड में आप देख लो भाई ये कितना बड़ा वाला क्रोकोडाइल
लटका पड़ा है उधर सामने। भाई ये बन के आया है अपने पास में और अपन इसमें डाल रहे लेमन। देख के टेस्ट करके कैसा है। अच्छा भाई पूरा वेज एकदम आराम से इनसे पूछ सकते हो तो और हेल्दी भी है। और जो लोग एग खाते हैं वो एग भी डलवा सकते हैं। Is this water for free or can I? Thank you very much. तो भाई आ गए अपन मसाज करने में। चेंज है जाओ मसाज करने के लिए। कुछ तो जंगली टाइप में बना दिया जैसे कैदी वैदी में जैसे कि। तो इस तरह से आपको ड्रेस दी जाएगी। देख लो भाई एक बार ऊपर से नीचे तक और ये पानी की बोतल फ्री है। और कुछ इस तरह से रूम रहेगा। ये मेरा बेड है, ये मेरे सामान रख दिया। तो देखते हैं करवाते हैं। आगे शूट नहीं कर सकता क्योंकि परमिशन नहीं है। तो भाई एक घंटे की मसाज में भाई मज़ा आ गया। हर चीज़ तोड़ के रख भाई मसाज इतनी प्रोफेशनल है। कपड़े पहन लो उसके बाद मैं आपको बात करता हूँ। तो भाई ये थी एक मसाज और ये पूरा का पूरा मसाज काफ़ी अच्छा था भाई। सब बताइए मसाज ख़त्म होने के बाद मेरे को दी है एक पानी की बोतल और प्लस ये एक छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट। और 250 का मसाज था जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था भाई। एक एक बॉडी का पार्ट हिला के रख दिया भाई। और थाईलैंड में आने के बाद थाई मसाज ज़रूरी कराना, बहुत अच्छी मसाज रहती है बॉडी के लिए भी। भाई ये देख लो इस टाइम मैं हूँ खाउसन वॉकिंग स्ट्रीट पे जो खाउसन रोड है। तो कुछ इस तरह से यहाँ की नाइट लाइफ देखते जाओ बस। तो भाई आगे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा ठीक है ना, क्योंकि म्यूज़िक चल रहा है कॉपीराइट आ जाएगा। देखते रहो बस जो भी है।